नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फ्रांस से जो रफाल विमान भारत आएंगे उनमें मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ही ईंधन भरने की पूरी तरह से सक्षमता रखते हैं ये रफाल विमान। और जब बीते समय में यानी जो पहला बैच आया था, आपको याद होगा जुलाई के आखिरी वक्त में, 28 से 29 जुलाई की वो तारीख थी जब दसॉ एविएशन की तरफ से ये जो रफाल विमान है फ्रांस से उड़ान भरते हैं और ये एक जो अल्डेरा बेस है यूएई में वहां पर जो है एक स्टॉप ओवर यानी नाइट ओवर आप उसे कह सकते हैं कि एक विश्राम लेते हैं वहां पर, और उसके बाद वहीं पर मिड एयर रिफ्यूलिंग भी होती है। उससे पहले मिड एयर रिफ्यूलिंग कैसे होती है, एक ऑयल टैंकर जो एक और विमान है वो दरअसल चलता रहता है इन विमानों के पीछे, और उसके बाद दो तरह के प्रोसेस हैं। उन प्रोसेस में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि रफाल विमान वो क्षमता रखते हैं, सिर्फ रफाल नहीं बल्कि हमारा तेजस भी वो क्षमता रखता है कि इनमें आप आसमान में ही ईंधन भर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे IL-76 है भारतीय वायुसेना के पास, वो विमान एक ऑयल टैंकर की भूमिका निभाता है। इसके अलावा वहां पर जो फ्रेंच एयरफोर्स है उनकी तरफ से टैंकर्स हवा में थे उस वक्त पे जब रफाल विमान उड़ रहे थे। लेकिन यूएई और हमारे बीच ये जो रिश्ते थे ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। आपको 1998 का एक किस्सा याद कराता हूं, 98-99 का, ये कंधार हाईजैक, नेपाल से इंडियन एयरलाइंस जब जाती उड़ती है और उस उड़ान के बाद इसे हाईजैक कर लिया जाता है। इसका नाम था IC-814। ये कंधार में जाने से पहले यानी तालिबान जब इसको हाईजैक करता है तो इसकी लैंडिंग जो है कंधार में होती है। कंधार में क्यों होती है, क्योंकि यूएई ने मना कर दिया था। भारत चाहता था कि इसकी लैंडिंग जो है वो यूएई में करा दी जाए, लेकिन जब यूएई ने इससे इनकार कर दिया तो फिर कंधार में ही, कंधार एयरपोर्ट में इसकी लैंडिंग होती है और फिर वहीं पर बातचीत होती है आतंकियों और भारत की। भारत की तरफ से इस बातचीत का जो नेतृत्व कर रहे थे वो वही हैं जो इस वक्त पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोभाल, जी हाँ। और उसके बाद जो है ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है कि किस तरह से भारत को आतंकी रिलीज करने पड़े थे। लेकिन उस वक्त पे यूएई से हमारे जिस तरह के रिश्ते थे और आज जिस तरह के रिश्ते हैं, दोनों में कितना बदलाव आ चुका है वो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो रफाल विमान हैं उनको, चाहे मिड एयर रिफ्यूलिंग की बात हो यूएई मदद करता है, अल्डेरा बेस में उतरने की बात हो यूएई हामी भरता है। इसके अलावा अगर हम उस वक्त की तुलना करें कंधार में जो हुआ था उससे आज के रिश्ते बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।